हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक बेस्ट प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। नोएडा एक्सटेंशन गौर चौक के पास की लोकेशन आ जाती है। काफ़ी क्लाइंटों की रिक्वायरमेंट होती है कि वो गौर चौक के आसपास के प्रोजेक्ट में रेडी टू मूव में के अंदर या रेडी टू मूव स्टेज में और एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, तो उसी को देखते हुए हम एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। ये एपेक्स स्प्लेंड का प्रोजेक्ट आ जाता है और ये गौर चौक के पास में आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। लोकेशन काफ़ी प्रीमियम आ जाती है, बिल्कुल ऑन रोड की आपकी लोकेशन आ जाती है। अगर मान लीजिए आप सेंट्रल नोएडा से होकर के आते हैं, नोएडा एक्सटेंशन में एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको राइट हैंड में चलना है। राइट हैंड में चलेंगे तो आपको कुछ नहीं देखना, बट डी मार्ट आपको देखना है। डी मार्ट हो गया, लॉरियर स्कूल हो गया, तो डी मार्ट से जैसे ही आप लेफ्ट हैंड में डी मार्ट देखेंगे, वहाँ से यूटर लेकर के आएंगे तो उसके सामने रोड गया है, वहाँ पर ही आपका ये एपेक्स स्प्लेंडर सोसाइटी आ जाती है। उसके जस्ट बगल में आपकी एक और सोसाइटी हवेलिया की आ जाती है, बेलेनेसिया। एंड उसके सामने बात करते हैं तो स्कूल्स आ जाते हैं आपके, तो लोकेशन काफ़ी प्रीमियम आ जाती है। अगर आप गौर चौक से सीधा जाते हैं तो NX1 मॉल देखेंगे। NX1 के बराबर से राइट हैंड में आपका NX1 आता है, आगे से यूटर लेकर के उस साइड से होकर भी आप आ सकते हैं। गौर सुंदरम हो गया, NX1 हो गया, तो वहाँ से भी आपका बिल्कुल पास में पड़ेगा। अपकमिंग जो मेट्रो बिल्कुल गौर चौक पे आनी है, तो ये मान के चलिए वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका गौर चौक का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है जैसा कि मैं आपको बता दें। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका गौर चौक हो गया, मेट्रो अपकमिंग रहेगी। अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 4.5 एकड़ का ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसके अंदर टोटल ये टावर 8 आ जाते हैं। 4 टावर आपके रेडी टू मूव स्टेज पे आ चुके हैं, जिसका पोजीशन दिसंबर से देना स्टार्ट करें इस ईयर से, और बाकी के 4 टावर वो कि 2025 में पोजीशन देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो टू फेसेस में आपके बढ़ते हुए ये ऑप्शन आ जाते हैं। पोडियम बेस का आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है, और बिल्कुल बगल में बात करते तो रेडी टू मूव आपकी सोसाइटी आ जाती है, जैसे हवेलिया की हो गई, तो और आगे बात करते तो NX1 की हो गई, आगे बात करते तो गौर सुंदरम हो गई, तो ये सराउंडिंग में रेडी टू मूव ऑप्शन आ जाते हैं। अपने प्रोजेक्ट की बात करते तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग साइज आते हैं आपके 2BHK आ जाते हैं, 2+ स्टडी आ जाते हैं, 3BHK की क्या डिग्री आ जाती है, 3BHK 3+ सर्वेंट के ऑप्शन आ जाते हैं। इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर 2BHK के साइज की बात करते हैं, 1061 स्क्वायर फीट का साइज आता है, उसके अंदर आपको 2BHK देखने को मिलेगा। 2BHK 3BHK 4BHK जिसका इसी ईयर पोजीशन दे रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने कुछ स्कीम निकाली है, ऑफर निकाले हुए हैं। जैसे फुल्ली फर्निश आपको फ्लैट दे रहे हैं, जैसे सेमी फर्निश हो गया, फुल मॉड्यूलर किचन हो गई, बॉर्डोप्स हो गया, LED लाइट हो गई, LED TV दे रहे हैं 38 इंच की, और फ्रिज दे रहे हैं, डबल डोर का आपका फ्रिज रहेगा, AC दे रहे हैं, AC लगा करके दे रहे हैं, 1.5 टन का AC दे रहे हैं, LED लाइट दे रहे हैं, वॉलपेपर लगा करके दे रहे हैं, चिमनी, गीजर, RO, माइक्रोबे, तो ये जितने भी फुल्ली फर्निश का आप सोफे और बेड को छोड़ करके बाकी सारे आइटम दे रहे हैं, तो ये ऑफर चल रहे हैं, उनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये रेडी टू मूव स्टेज में अगर आप फ्लैट देख रहे हैं जो कि 4 से 5 महीने में पोजीशन मिल जाए, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। रेडी टू मूव स्टेज में चीज़ें आ जाती हैं, और बिल्कुल गौर चौक के पास में ये ऑप्शन आ जाता है। लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त आ जाती है, ऑफर के साथ आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इससे बड़े साइज में जाते हैं, 2+ स्टडी का साइज आ जाता है, 1153 स्क्वायर फीट का साइज आ जाता है 2+ स्टडी। अगर आप 3BHK में जाते हैं तो 3BHK का जो साइज आता है आपका 3BHK अगर साइज में जाते हैं तो 1458 स्क्वायर फीट का साइज आ जाता है 3BHK 2 टॉयलेट। 3BHK प्लस सर्वेंट प्लस 3 टॉयलेट के साथ आता है, वो 1619 स्क्वायर फीट का साइज आ जाता है 3+ सर्वेंट प्लस स्टडी के साथ। तो ये हमारे साइजेस आ जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2BHK 2+ स्टडी बताया, उसमें भी बड़े साइज आपको देखने को मिल जाते हैं, उसमें बड़ी बालकनी आ जाती है तो उनके साइजेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये हमारे लेआउट आ जाते हैं, साइज आ जाते हैं, एंड रेडी टू मूव स्टेज में हमारे ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जिसके अंदर ऑफर जैसे मैंने आपको बताया फुल्ली फर्निश वाले ऑफर सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन आ जाती है, रेडी टू मूव स्टेज पर ये आपका प्रोजेक्ट आ जाते हैं, फुल्ली पेड अप लैंड आ जाती है, सारी पेमेंट की हुई है नोएडा एडहौदी को।
और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एपेक्स बिल्डर की, तो एक रेपुटेड बिल्डर आ जाता है जिन्होंने एपेक्स गोल्फ एवेन्यू हो गया, एपेक्स इनका एक ऑप्टर जेट ऑनगोइंग चल रहा है, एपेक्स ओरा के नाम से एपेक्स स्प्लेंडर हो गया, एपेक्स का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी चल रहा है। सिद्धार्थ विहार में इन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है एपेक्स ने, इंडाफ्रोम के अंदर भी प्रोजेक्ट चल रहे, तो एक रेपुटेड बिल्डर आ जाता है और काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो काफ़ी स्पीड में काम चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर इन्होंने चार टावर, जो अपकमिंग चार टावर है उसका गड्ढा खुदना, राफ्टिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, तो काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है इनके, तो उनके अंदर भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। फ्रंट में आपको कॉमर्शियल मार्केट देखने को मिल जाती है, तो उन सारी चीज़ों का आप आकर के बेनिफिट ले सकते हैं। अभी रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 15 फ्लोर की बात करता तो 6200 रुपये पर स्क्वायर फीट आ जाता है, इनोर का डिस्काउंट 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट चल रहा है, एंड उसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप रेडी टू मूव स्टेज में जा रहे हैं तो वो आपके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ब्रेक में आ जाती है। जो अपकमिंग मेट्रो अपकमिंग जो टावर बनने हैं माई वन के अंदर आ जाते हैं, तो दोनों टाइप के आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाते हैं। रेडी टू मूव स्टेज में भी ऑप्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी ऑप्शन आ जाते हैं। लोन की बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया से लोन हो रहा है, बजाज फाइनेंस से आपका लोन हो रहा है, तो और भी बैंकों से लोन की बात चले तो लोन आपको कैसा बैंक देखने को मिल जाते हैं। इन ऑफर के साथ आपको एक और बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में करते हैं या रेडी टू मूव स्टेज में उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके अंदर बिल्डर एक आपको फर्स्ट ट्रांसफर फ्री दे रहा है, जो कि आपका फर्स्ट ट्रांसफर फ्री रहेगा। अभी आप बुक करते हैं तो रेडी टू मूव स्टेज के बाद अगर आप उसको सेल करते हैं तो आपको कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं देने होंगे, तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे काफ़ी NRI क्लाइंट होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो बाद में बिल्डर चार्ज करते हैं 200 रुपये 300 पर स्क्वायर फीट के चार्जेस करते हैं, तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, फर्स्ट ट्रांसफर फ्री देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। अगर हम पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो तीन टाइप की आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी पेमेंट प्लान की। फर्स्ट पेमेंट प्लान आपका CLP आ जाता है, सेकंड प्लान पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो 40-60 का पेमेंट प्लान आ जाता है, थर्ड पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो आपका 20-80 का पेमेंट प्लान देखने को मिल जाता है। 20-80 मिल जाएगा जिसका CF पोजीशन दे रहे हैं, उसके अंदर आपको 20% अभी देना है, 80% पोजीशन पे देना है। अगर हम CLP की पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो वो दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बात करते हैं तो उसके अंदर 40-60 का पेमेंट प्लान देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम अदर चार्जेस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया BSP की बात करते हैं, 15 फ्लोर का रेट आता है 6200 रुपये पर स्क्वायर फीट का आता है। अगर उसके साथ ही साथ अदर चार्जेस की बात करते हैं तो अदर चार्जेस में आपको 210 रुपये के अदर चार्जेस देखने को मिल जाते हैं एंड 5% GST देखने को मिल जाती है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा और भी कुछ कह रही हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो स्क्रीन पर नंबर से रखा है, कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी अच्छे रेटों के साथ। तो जब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।